हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं स्टॉप फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन एंड चेनिंग फंक्शन। तो स्टॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी भी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए। कॉल बैक फंक्शन का यूज़ होता है जैसे कोई एक्टिविटी होने के जस्ट हम तुरंत बाद एक एक्टिविटी को चलाना, इसको बोलते हैं कॉल बैक। चेनिंग मतलब होता है कि कई सारे इफ़ेक्ट्स को हम एक लीनियर फॉर्म में चलाएंगे, एक के बाद एक इफेक्ट जो होगा वो अपना इफेक्ट दिखाता जाएगा एक टाइम टू टाइम, तो इसको बोलते हैं हम चेनिंग। तो तीनों फंक्शन को हम बना के इसको यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक HTML फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम दे देते हैं stop.html। हेड के अंदर आएगा अपना टाइटल और हेड के जस्ट बाद आती है हमारा बॉडी सेक्शन। तो हमको यहाँ पे jQuery की फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो jQuery फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, और इसके अंदर src। यहाँ पर हमारे पास jQuery की फाइल है जिसका नाम हम यहाँ मेंशन कर देते हैं jQuery-3.5.1.min.js। ध्यान रहे कि jQuery को आपको बहुत इसका पाथ देना है क्योंकि सेम फोल्डर में, इसलिए मैंने डायरेक्ट फाइल का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं स्टॉप फंक्शन की। तो जैसे कि एक मैं यहाँ पे H1 हेडिंग लेता हूँ, या मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, इसका नाम ले लिया बॉक्स, इसके लिए CSS लिख देते हैं। हैश बॉक्स, इसकी जो वेट है वो दे देते हैं 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, तरीके से मैं जब स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये डिव में कुछ एनिमेशन परफॉर्म करूँगा, और जब वो एनिमेशन चलेगा तो तुरंत बीच में मैं कहीं पे भी इसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये दोनों बटन बनाने का मेरा पर्पस यही है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे $document.ready फंक्शन, फंक्शन का पैरेंथेसिस, फंक्शन का ब्लॉक। नाउ अब यहाँ पे हमको करना ये है कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो स्टार्ट IDS के हैश से कॉल करेंगे, इस पर हमने क्लिक किया तो इसके अंदर भी एक इवेंट एक्शन परफॉर्म होना है, तो इसके फंक्शन लेंगे, फंक्शन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, पेज लोड हो गया, पेज लोड होने के बाद आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपको इस में एनिमेशन लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे डिप की आईडी है बॉक्स, बॉक्स पे हम लगाते हैं एनिमेट फंक्शन। और एनिमेट फंक्शन में मैंने बताया था जैसे कि पैरेंथेसिस के अंदर डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लिखना है, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा विड्थ 400 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल, मार्जिन टॉप 400 पिक्सल। मतलब सभी जगह से मैंने इसको विड्थ हाइट भी बढ़ा दी और मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट भी दिया। लास्ट वाले में आपको कॉमन नहीं लगाना है। अब इसको एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा, तो मैंने ये सब चीज़ें होने में 5000 सेकेंड दे दिए, तो 5000 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे 5 सेकेंड हो गए। तो ये एनिमेशन जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा, ये इस पर एनिमेशन परफॉर्म होगा, और मैं अब इस एनिमेशन को रोकना चाहता हूँ
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हैश स्टॉप बटन पे क्लिक करने पर फिर से एक फंक्शन उसके अंदर पैरेंथेसिस और उसका कर्ली ब्रेसेस, ये इवेंट स्टार्ट का है और ये वाला इवेंट स्टॉप का है। तो यहाँ पे स्टॉप के बटन पे क्लिक करने पर मैं हैश बॉक्स को स्टॉप करना चाहता हूँ। जस्ट सिंपल सा ये फंक्शन हमको यूज़ करना था जिसके लिए मैंने इतना सारा कोड किया। तो जस्ट हम जैसे ही स्टॉप बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा बॉक्स जो है, जो भी चीज़ें इसमें हो रही हैं वो चीज़ रुक जाएंगी। तो एक बार इसको चेक करते हैं आउटपुट में। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे टी की जगह आर आएगा। छोटी सी गलती होने पर ये काम नहीं करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्ट किया, देखिए एनिमेशन हुआ, काफ़ी फास्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी टाइम यहाँ पे मैंने हटा दिया था। मैं फिर से लगा देता हूँ, 5 सेकेंड का मैंने यहाँ टाइम लगा दिया। रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अभी चल रहा है, मैं यहाँ पे बीच में रोक देता हूँ। तो ये स्टॉप फंक्शन से चीज़ रुक गई, स्टार्ट से वो फिर चलने लगेगा, स्टॉप से फिर रुक जाएगा। तो इस टाइप से हम स्टॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉल बैक। तो कॉल बैक कैसे यूज करेंगे देखते हैं। एक न्यू पेज बनाया है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, इसको नाम दे दिया callback.html। होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ही ये बॉक्स किसी CSS लगे रहने देता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसको आईडी दी बॉक्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे CSS लिखी, विड्थ हाइट देके उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हटा देता हूँ, मैं क्या करूँगा इस बॉक्स को जैसे ही हाइट करूँगा वैसे मेरे पास एक मैसेज आ जाए, तुरंत एक कॉल बैक एक्शन हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा document.ready function parenthesis block। तो ये बेसिक सिंटैक्स आपको याद रखना ही है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हैश बॉक्स है उसको हम हाइड करने वाले हैं 3 सेकंड के अंदर, और 3 सेकंड के अंदर जैसे ही हाइड हो जाए उसके बाद तुरंत बाद मैंने एक फंक्शन चलाया। फंक्शन यहाँ पे हम सेकेंडरी आर्गुमेंट में एक फंक्शन को पास कर रहे हैं, फंक्शन का ब्लॉक, वो फंक्शन का पैरेंथेसिस हो गया, फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस हो गया। इसके अंदर हम जो भी इवेंट कराना चाहते हैं वो हम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक अलर्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, अलर्ट फंक्शन होता है जो एक पॉपअप में मैसेज हमको देगा ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम बैक। अब होगा ये कि जैसे ही बॉक्स 3 सेकंड के अंदर हाइड हो जाएगा और हाइड होने के जस्ट बाद ये फंक्शन कॉल बैक होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉल बैक के। इसको चला के देखेंगे, जैसे ही ऐड होगा वैसे हमारे सामने एक अलर्ट बॉक्स आ गया वेलकम बैक। ये हुआ है कॉल बैक फंक्शन। अब जरूरी नहीं कि अलर्ट लो, अलर्ट के बाद आप कुछ भी लगा सकते हो,
दिस इज कॉल बैक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं चेनिंग की। चेनिंग में हम कई सारे इफेक्ट्स को एक सिंगल लाइन में प्लेस कर देते हैं और एक के बाद एक इफेक्ट अपने आप वर्क करता है। तो मैं इस पेज को कॉपी कर लेता हूँ, एक नया पेज बनाता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं chaining.html। ये मैं हटा देता हूँ। ओके, इसी बॉक्स के ऊपर ही हम चेनिंग करके दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे हैश बॉक्स, पहले इस बॉक्स को मैंने हाइड कर दिया, तुरंत बाद डॉट लगा के आप एक और इफेक्ट लगा सकते हो, शो, शो भी मैंने 2 सेकंड के अंदर कर दिया। फिर दूसरा इफेक्ट लगा दिया मैंने फेड आउट, 2 सेकंड में फेड आउट हो जाएगा। फिर फैड इन हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। फिर आप स्लाइड अप लगा दो 2 सेकंड में, एंड स्लाइड डाउन लगा दो 2 सेकंड। तो ये मैंने सारे इफेक्ट्स को एक लाइन में सेट कर दिया और सबके टाइमिंग दे दिए। तो इसको बोलते हैं हम चेनिंग। चेनिंग क्यों होगी? क्योंकि 2 सेकंड में ये होगा, 2 सेकंड एक के पीछे एक लाइन में इफेक्ट चलते जा रहे हैं। तो इसको भी चला के देखते हैं। देखिए पहले हाइड, फिर शो होगा, फिर फेड आउट होगा, फिर फेड इन होगा, फिर स्लाइड अप होगा और स्लाइड डाउन होगा। तो ये है चेनिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और भी टॉपिक्स देखेंगे। तो फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉप फंक्शन की, कॉल बैक फंक्शन की एंड चेनिंग फंक्शन की। थैंक यू।